लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई के क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रतिबंधक गुटखा और पान मसाला सप्लाई करने वाले एक गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम अजय कुमार गौड़, गोविंद बोड़ारे, घेवाराम देवासी, अक्षय गायकवाड़ और राहुल कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि छठवां आरोपी करण सालुंखे फरार है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों से 27,93,880 रुपयों का प्रतिबंधक गुटखा बरामद किया गया। इसके साथ ही एक पिस्तौल, कार और टेम्पो समेत कुल 79,27,000 का माल बरामद है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहे ये वो 5 आरोपी हैं जिन्हें प्रतिबंधक गुटखा और पान मसाला सप्लाई मामले में नवीमुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। वासी के उड़ीसा भवन के करीब पकड़े गए इन आरोपियों के नाम अजय कुमार गौड़, गोविंद बोड़ारे, घेवाराम देवासी, अक्षय गायकवाड़ और राहुल कुमार बताए जा रहे हैं, जबकि छठवां आरोपी करण सालुंखे फरार है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों से 27,93,880 रुपयों का प्रतिबंधक गुटखा, फॉर्च्यूनर कार और टेम्पो के साथ ही एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग से जुड़े एक अन्य मामले में विजय चौहान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर कई ठिकानों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों वारदातों की छानबीन तेज हो गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 17 सितंबर को वासी में उड़ीसा भवन के आसपास के परिसर में कुछ लोग जो प्रतिबंधित गुटखा है जो महाराष्ट्र सरकार ने जिसको बैन किया हुआ है और कुछ जो सुगंधित पान मसाला है वो भी बैन है, तो इसका ट्रांजिट करने वाले हैं, इसको कहीं ले जाने वाले हैं, कहीं बिक्री करने के लिए ले जाने वाले हैं, ऐसा इनके पास में इंफॉर्मेशन मिला। उसको अपनी टीम भेज करके उन्होंने वहाँ से 3 गाड़ियाँ जब्त की, उसमें करीब 41 लाख के आसपास का जो है वो करीब 27-28 लाख का उसमें उनको जो ये जो बैंड गुटखा और जो पान मसाला वगैरह मिला उसमें जो बैंड है, और उसमें 3 गाड़ियाँ थी टोटल। एक आयसर गाड़ी है अपना, एक ये है पजेरो है, एक और गाड़ी है फॉर्चुनर गाड़ी है, और एक आइसर है गाड़ी और है टेम्पो है। टोटल करीब 80 लाख के आसपास का मुद्देमाल जब्त किया वहाँ पे, और उसमें एक आरोपी जो था वहाँ पे जो इसमें फॉर्चुनर में उसके पास एक पिस्टल भी था, और उसने थोड़ा सा उसका पुलिस को थोड़ा बचने के लिए भागने के लिए और पुलिस पे थोड़ा कुछ करने के लिए थोड़ा पिस्टल का भी एक तरह से उसने इशारा किया, उसमें उपयोग करने की कोशिश की वहाँ पे। तो ये सब मिला करके वहाँ से 5 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, अभी एक फरार है। अभी कोई भी इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं है वो भी इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे, और कौन मेन है क्या है करके सब उसका तफ्तीश चल रहा है अभी। और भी इसमें ये कहाँ से लाया, कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ बेचने वाले थे, और लोग कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन होगा और जैसे पता लगेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आम पब्लिक है उनसे मेरा अपील है कि भाई आप इसका यूज़ ही मत करें। ये जो गुटखा बैंड है या जो भी ड्रग है या जो भी आप बोल रहे हो उसमें नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, डिमांड रहेगी, लोग लाएंगे, तो हम कार्रवाई करते रहेंगे वहाँ पर, लेकिन कोशिश करें कि गुटखा ना खाएं, कैंसर भी होता है उससे, और हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि नहीं करना चाहिए लोगों ने। 26 अगस्त को सुबह नेहरू लाहौर सानपाड़ा की हद्दी में उसके जुरिजिक्शन में 1-2 घंटे के अंदर में 4 स्नैचिंग हो गया था, 4 चेन स्नैचिंग हुए थे, और ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए क्योंकि ये बड़ा कठिन काम होता है चेन स्नैचिंग में। क्या है वो बाइक पे आते हैं फिर बाद में हेलमेट लगाए रहते हैं या फिर करके तुरंत कहीं भागते हैं, और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेन स्नैचिंग करने वाली कुछ लोग हैं जो हैं, कुछ हमारे एरिया में भी रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं, तो
और इनको हम पकड़ते हैं वापस, ये इनको बेल मिलता है, वापस भागते हैं ये। अभी 20 साल का लड़का उसमें अरेस्ट हुआ है जो विजय कुमार चौहान करके है, विजय दीपक चौहान, ये रहने वाला शिवाजीनगर गोवंडी का है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल करके उसको अरेस्ट किया, उसके पास से 6 गुना का 145 ग्राम जो गोल्ड है, तकरीबन 1,35,000 का गोल्ड, और एक मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपए की बजाज की मोटरसाइकिल है जो उसने यूज़ किया था उस क्राइम में, वो जब्त किया उसमें। और इसका पुराना रिकॉर्ड भी है, इसके साथ एक जुनाई लड़का भी था, उसका भी 5-6 गुना पहले किया है रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।